हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन टारगेट। सो मैं मीनाक्षी शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास थर्ड की एक पोम रेन इन समर। दिस इज चैप्टर 11 एज यू कैन सी। सो हेयर हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोम। द नेम ऑफ द पोएट इज हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्ग फेलो। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। सो हेयर यू कैन से यहाँ पोएट ने रेन को ब्यूटीफाई किया है कि जब भी बारिश होती है तो मौसम कितना अच्छा हो जाता है और हम लोग कितना इंजॉय करते हैं उसको। सो हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट। तो जब भी बारिश होती है मौसम बहुत धूल भरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उमस फील होती है और उसके बाद बारिश होती है तो बारिश बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट। बहुत धूल भरे मौसम के बाद और बहुत ज़्यादा हीट के बाद जब भी बारिश होती है इट लुक्स ब्यूटीफुल। इन द ब्रॉड एंड फेयरी स्ट्रीट। और जो चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं एंड फेयरी मीन्स लाइक फायर। बारिश से पहले ऐसा लगता है जैसे आग बरस रही हो, बहुत उमस फील होती है। एंड इन द नैरो लेन और जो तंग गलियाँ होती है वहाँ भी हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। तो रेन तो सब जगह होती है, चाहे नैरो लेन हो या फिर ब्रॉड स्ट्रीट हो, चाहे चौड़ी सड़कें हो या फिर तंग गलियाँ हो, सब जगह बारिश होती है और जब भी बारिश होती है इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स। और ये जब हमारे घरों की छतों पर गिरती है, रूफ्स मीन्स हेयर छत, जैसे ये घरों की छतों पर गिरती है तो इससे कैसा साउंड आता है। इट कम्स फ्रॉम हेयर क्लैटरिंग साउंड। एक क्लैटर साउंड आता है लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स। सो ट्रैम्प ऑफ हूफ्स हेयर, जैसे कि घोड़े के भागने की जो आवाज़ होती है, उसके खुरों से जो आवाज़ निकलती है, ऐसी साउंड बारिश जब पड़ती है घरों की छतों पर और कई टीन सेड वगैरह होती है तो उससे ऐसी ही आवाज़ आती है। हाउ इट गसेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। सो हेयर From the throat of overflowing spout means air spout we can say pipe, जो घरों के छतों के ऊपर ड्रेनेज सिस्टम के लिए पानी की निकासी के लिए पाइप लगाया हुआ होता है कि उसमें से पानी निकल जाए तो वो ओवरफ्लो होने लगता है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो ओवरफ्लो होने लगता है और उससे जल्दी जल्दी इट गसेस, गसेस मीन वहाँ से जल्दी जल्दी से पानी निकलने लगता है। स्ट्रगल्स आउट, जब वो पूरा भर जाता है तो वो ओवरफ्लो होके बहुत जल्दी जल्दी उससे स्पीडली पानी निकलने लगता है। अक्रॉस द विंडो पेन। सो विंडो पेन वी कैन से द फ्रेम ऑफ द विंडो। विंडो का जो फ्रेम होता है इट पोर्स एंड पोर्स, इससे भी बारिश का पानी जो है गिरता रहता है। एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद अ मडी टाइड, और इससे भी बहुत जल्दी जल्दी और बारिश की बहुत मोटी मोटी बूंदें गिरती हैं। विद अ मडी टाइड मीन्स बिल्कुल कीचड़ भरी सी, जैसे कीचड़ की टाइड आ गई हो वहाँ पे, कीचड़ वाली बारिश सी फील होती है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर्स, जैसे कि गटर होते हैं सड़कों पर, उन सड़कों पर वहाँ पर भी बारिश के पड़ने पर वहाँ से भी आवाज़ें आती हैं। द रेन द वेलकम रेन। सो हेयर विद अ मडी टाइड लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स, जो गटर्स होते हैं सड़कों पर उसके नीचे जब बारिश फ्लो होती है, बारिश का पानी फ्लो होता है तो वहाँ से भी हमें रोड्स मीन्स हेयर, जैसे कि दहाड़ने की आवाज़ होती है, पानी की चलने की फ्लो होने की काफ़ी आवाज़ें फील होती हैं, जैसे कि कीचड़ की टाइड आ गई हो। आपने देखा होगा नालियों में निकासी जहाँ होती है, ड्रेनेज जहाँ होता है वहाँ पर बारिश होती है तो साथ में कितनी कीचड़ भी जाती है। द रेन द वेलकम रेन। सो हेयर पोएट इज सेइंग द रेन द वेलकम रेन बिकॉज ही इज वेरी हैप्पी टू सी द रेन। सो दिस पोम इज फिनिश। अगर पोम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।